इले काका तोहर चिट्ठी आइल बा लो दा तनिक पढ़ के सुनावा हो। हाँ। ए राम के माई काजी सोहन के चिट्ठी आइल बा हो जल्दी आवा। आदरणीय बाबूजी प्रणाम और माई के चरण छू के प्रणाम और किसन खातिर ढेर सारा प्यार। बाबूजी हम यहाँ एकदम कुशल मंगल से बानी और पढ़ाई भी एकदम ठीक चलता, लेकिन बाबूजी पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम हो गई बा। बाबूजी यहाँ लंदन खर्चा तू तो जनते बाड़ा और परीक्षा के फीस भी भरे के बाटे, थोड़ा तकलीफ तो होई, लेकिन कैसा हो करके 2 लाख रुपया के इंतजाम करके भेज दा, बाकी सब ठीक बा। तुहार आज्ञाकारी बेटा सोहन इलाका का हम चला तानी। एकरा तो पैसा मंगवला से हम परेशान हो गई बानी। अरे हर महीना पैसा भेजा तानी तबो, अब इ महीना 2 लाख रुपया मंगाता, अब कहाँ से लाई हम अतला पैसा। हम तो पहले वही कहले रहनी कि मत भेजियो करा के विदेश, लेकिन रउआ मन्नी ना, ओकरा पढ़ाई के चक्कर में पोस्ट ऑफिस के पैसा खत्म हो गल, ट्रैक्टर बिका गल, आपका खेत खरियान बेचब। हाँ राम के माई अब ऐसे करे के पड़ी। कैसन बात करता नी जी, राउर दिमाग खराब हो गल बका, खेत खरियान बेचब, अरे का जवाब दे पुरखन के। तो का करी, ओकरा पढ़ाई के घड़ा में डाल दी, अब मुड़ी छिलाइए गेल बा तो चुरकी रख के का फायदा। गोविंद जी नापी जोखी तो हो गई, अब अपन देख ली। अब देखे के का बा बनवारी। हाँ काका। पैसा अबे मिल जाए तो अच्छा रहित बेटा। पैसा कहाँ भागल जाते हैं। हाँ। जमीनिया का रस्सी तो पहले करवा था ना, पैसा मिल जाए। हाँ। चलो चुलबुल। हाँ। तू तो बड़ा बढ़िया मजा ले रे बनवारी, इतना बढ़िया जमीन तोरा तो औने पौने भाव में मिल गई। तो खाली देखा तो चुलबुल पड़े, एक किसानवा के पूरा परिवार के हाथ में कटोरा थमा के सड़की बना लिया देनी ना, तो हमरो नाम बनवारी ना। किसका लेटर है? सोहन का, लगता है उसके गांव से आया है। कहाँ है सोहन, आ गया कॉलेज से? अपने कमरे में होगा। ओके ठीक है, मैं उसको देख के आती हूँ। ये क्या कर रही हो मामा? मामा कर क्या रही हो? मामा 2 लाख रुपए लगता है उसके बाप ने भेजे हैं। मामा कर क्या रही हो? मामा तुम्हें क्या कर रही हो? पता है ना सोहन कितने दिनों से पैसों का इंतजार कर रहा है। तुम ये चाहती हो ना कि सोहन अपने गांव वापस ना जाए, यहीं रहे? हाँ चाहती हूँ। तो फिर मैं जो करती हूँ वो चुपचाप करने दो। राम राम पोस्टमास्टर साहब। का हाल बा गोविंद भाई? अब का हाल बताई, यहाँ मर मर के लड़का के खेत बाड़ी बेच के पैसा भेजा था नी, और ये देखा सोहन चिट्ठी भेज ले बा, ओकरा के पैसे मिलबे ना कइल। गोविंद भाई हम तोरा चिट्ठी के पता लगाओ तनी। तोहरा पता लगावे तक लड़का के परीक्षा निकल जाये, हमरे भाग फूटल बस ससुरा। ए बनवारी, ये बुढ़ऊ खाली 3 बीघा जमीन छोड़ के अपन सब जमीन बेच देहले रे। तो खाली देखत रह, वो 3 बीघावा भी हमरे ही पास आई। ए काका, हम 3 बीघावा काहे रखले बाड़ा? वो दे दो हमरा के। ए बेटा, यह हाल रही तो एक दिन सब बिका जाई रे। सोहन प्रसाद 2 लाख रुपए, इसके बाप ने फिर पैसे भेजे। एक्सक्यूज मी आंटी, मेरा कोई लेटर आया है क्या? नहीं तो क्या बताओ आंटी, कल फीस भरने की लास्ट डेट है, मैं बाबूजी को लेटर पे लेटर भेज रहा हूँ और बाबूजी पैसे भेजना तो दूर, लेटर्स का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना बेटा जी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हें पैसे वैसे भेजेंगे। नहीं आंटी, मुझे लगता है बाबूजी जरूर किसी प्रॉब्लम में होंगे। तू अभी बच्चा है, तुझे नहीं पता कि ये दुनिया कितनी मतलबी है। कैसी बात कर रही है आंटी, आप मेरे माँ बाप को नहीं जानती। अच्छा तू एक बात बता दे जी, तेरे माँ बाप तुझे विदेश भेजने के लिए राजी थे? नहीं, लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, उन्हें ये डर लग रहा होगा कि पता नहीं तू गांव वापस आएगा या नहीं। पहले तो उन्हें सिर्फ डर था, लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया होगा। फिर वो तुझ पे पैसे क्यों लुटाएंगे? डोंट फॉरगेट माई चाइल्ड, जो पेड़ फल नहीं देता
उसमें लोग पानी तक नहीं डालते। डोंट वरी बेटा, मैं तुझे पैसे दूंगी। तेरे बाप का पैसा आए या ना आए, तू एग्जाम जरूर देगा। ये ले, पी ले, पी ले बेटा। देख बेटा, वहां शराब के हाथ भी मत लगे हैं। हमरा ऊपर भरोसा नहीं है कमाई? तले हम तोर कसम खाता नहीं कि शराब के कभी हम हाथ भी ना लगाए। क्या सोच रहा है, ले पी। कहो गिलराम के माई। हमार मन घबराता जी, हम बड़ा खराब सपना देखनी है। हमरा सोहन के बड़ी चिंता होता जी। अरे ये सोच सोच के तो हमरो नींद नहीं खिया आवत रहे। पहले तो हर 15 दिन में चिट्ठी आ जात रहे, अब 6 महीना हो गए और एको चिट्ठी के दर्शन नहीं किया। अरे वो एको दुको और चिट्ठी भेज के देखी ना। अरे कतरा चिट्ठी लिखी, वो एको चिट्ठी के जवाब नहीं के देत। राम के भाई, हमरा ता बुझाता कि ओकर लौटे के कहनो इरादा नहीं खे रे। कैसन बात करता नी जी, हमार मन कहता ना, हमार सोहन जरूर लौटी है, जरूर लौटी है। तू कुछ भी कहला, हमरा ता इहे बुझाता हमारे एहू लइका हाथ से निकल गई। और कसम को वहां कोनो मेम साहब से कुजात में बियाह ना करबे। हम कसम खाता नहीं माई कि कोनो कुजात में बियाह ना करें।